शोते हुए हर बंदा है मोबाइल हाथ में, उस दिन बात नहीं कर रहे थे, वो खोती रेडी वाला खोती रेडी चला रहा और साथ मोबाइल सुन नहीं उसकी फीलिंग्स नहीं हुई खोती की जी बेवकूफ इसकी ये जो इसका ड्राइवर था यार, मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसका इस्तेमाल करने का तरीका भी आना चाहिए लोगों को। एक शोहे को तो मैंने देखा दोनों हाथों में बाल्टियां पकड़ी और फोन सुन रहा था, फोन ते लग के सीधा बाल्टी मेरी हमसी निकल गई। मैंने कहा जहाँ पुत्र बड़े एक्शन बना रहा था, आज घर जाएगा तो तुम्हें सारा दिन मूसलाधार लेतर पड़ेंगे। झाड़ू पड़ा हुआ और फोन कान से लगाया हुआ है और लव टॉक कर रही है। तो तुम्हें क्या इतराज है लव टॉक कर रही है? सुनो तो सही, सड़क के बीचकार जा रही है मटक मटक के और साथ बातें कर रही है। बात सुनो टीपू ना, ये को बात नहीं है ना, तीन दिन हो गए तो मुझे मिले ही नहीं। मैंने तुम्हारी याद में शेर लिखे थे, वो तो सुन लो। अखे इधर भी आदे, मैं अखे उधर भी आदे, हाल रोड आदे, माल रोड आदे, गाली पीली जा रही है तो एलस तो मारी है। जे हजीन में गंद तो कर दो फोन बंद। ये आखिरी शेर तो तुम्हें बड़ा बड़ा होगा। अच्छा बात सुनो टीपू, अभी मैंने थोड़ी देर तक फारग हो जाना है तो वो छोटे पार्क में आ जाना ना, तो तुम क्यों नहीं आ सकते वे? ओए ओए। तो ना दफा हो, मैंने फोन भी वापस कर देना, अभी मैंने इसकी तीन किस्तें ही दी हैं। मैं हैरान हो गया, मैंने कहा यार देखो ये भी इंजॉय कर रही है। खबर है सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ख्वाजा सराओं को नौकरियां दी जाएं। मैं सदके जाऊं, अल्लाह जानता है अगर ख्वाजा सराओं को नौकरियां मिलनी शुरू हो गई। ये क्या, जरा सोचो तो सही, एसी कुसरा लगा होगा तो क्या बनेगा? साहिल जब दफ्तर में आएगा तो अफसर ने क्या कहना, बिस्मिल्लाह तशरीफ रखे, हाय सदके जाऊं, काम तुम्हारा मैं कर देती हूँ मगर वेल देने की कोशिश ना करना, मैं ईमानदार एसी हूँ। लिखाओ क्या लिखाना है, चल बे ढोलकी वाले यार ये क्या बेहूदगी है, अब खुसरा एसी लगेगा और क्या, नैब कासिद लगेगा, उससे तो अच्छा बेचारा खुसरा ही रहे। अमान से जरा सोचो क्या मजा आएगा अगर SHO लग जाए खुसरा, हाय हाय हाय, वर्दी वर्दी पहन के खुशबू लगा के बैठा हो, ऊपर से आ जाए थाने में DIG, सलूट मारते ही उसने शुरू हो जाए, ढम पहले सलाम करा यार। बस अजीजी ना करो यार, क्यों ना करो, मेरा DIG आया है, मैं सदके जाऊं DIG पे, आए कीड़ी घर न रहन आ गई, मैं सदके जाऊं, बैठो तो शरीफ रखो यार, ना करो खुदा के वास्ते ना किया करो यार, दबाओ। एक खबर के मुताबिक सुबह सरहद के अक्सर दफ्तरों से कायदे आजम की तस्वीर गायब, अफसरों ने अपनी तस्वीर लगा ली। ये तो खैर अच्छा किया है अफसरों ने, सरहद में ही नहीं पूरे पाकिस्तान के दफ्तरों में जो हो रहा है ना, वहां से वैसे कायदे आजम की तस्वीर उतार ही देनी चाहिए, जितनी शर्मिंदगी हो रही होगी उस तस्वीर। Yes, I agree. अल्लाह जानता है, और इन्होंने अपनी तस्वीरें लगा ली हैं, ठीक है, और बड़ी बड़ी अजीब शक्लें बना गई है, ये हीरो भी होते हैं अपनी तरफ से, अपने आप को हीरो समझते हैं, ये बिल्कुल ठीक है, बड़ी बड़ी अजीब तस्वीरें इन्होंने लगानी है। ऐसे ही बेहुदा पोजेस में मैंने देखी नहीं ऐसी, ये बेहुदा पोज है। तो और क्या? मुझे ना कहना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मैं अफसरों की बात कर रहा हूँ, तो। कई अफसर जो थबंटू लेते हैं ना, उन्होंने इस तरह की तस्वीर बनवानी है ताकि आते ही अगले को तस्वीर से पता चल जाए। ये कैसे पता यार, एक तस्वीर ये लगेगी ना, अच्छा एक ये लगेगी, दो तस्वीरें वो लगवाएंगे, पीछे हथकड़ी की लगनी चाहिए, दोनों तस्वीरें उतारो हुए, और जो अफसर डायरेक्ट नहीं ना पैसे पकड़ते, जिनका PA पैसे लेता है, उन्होंने साथ PA खड़ा करके तस्वीर लगवानी है। खुदी नजरात, आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी कल, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। नासिर।